नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एयरविक ऑटोमेटिक रूम फ्रेशनर की अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन और साथ में इसका रिव्यू भी करूंगा। तो देर किस बात की, बॉक्स में जो कुछ भी था वो सब आपके सामने है। मशीन, एक रिफिल और साथ में एक बैटरी। रिफिल की बात करूं तो ये 70 दिनों तक काम करती है अगर आप इसको लो सेटिंग पर रखते हैं तो। यहां से स्प्रे बाहर आएगा और इसके पीछे की तरफ वॉल माउंट दिया हुआ है जिससे आप इसे दीवार पर भी लटका सकते हैं। जब आप इसके ढक्कन को खोलेंगे तो बैटरी इंस्टॉलेशन एरिया दिखाई देगा। उसके बगल में आपको मशीन का मेन कंट्रोल मिलेगा। सबसे पहले ऑफ, उसके बाद 15 मिनट्स, उसके बाद 30 मिनट्स, उसके बाद 40 मिनट्स एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी बटन नहीं मिलेगा। तो आइए इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करना बेहद ही आसान है, बस आपको नीचे के ढक्कन को आराम से खोलना है, उसके बाद रिफिल को सीधा अंदर की तरफ डाल देना है। अब इसके बैक कवर को लाइन से लाइन मैच करते हुए हल्का सा रोटेट कर देना है। अब बैटरी इंस्टॉल कर देते हैं। तो देरी किस बात की, अब मशीन को ऑन करते हैं। जैसे ही हम बटन को पहले मोड पर ले जाएंगे, उसके 10 सेकंड बाद पहला स्प्रे करेगा। पहले स्प्रे के लिए हमारी मशीन बिल्कुल तैयार है। अगर इस मशीन की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही शानदार है। अगर आप एक ऑटोमेटिक रूम फ्रेशनर लेने की सोच रहे हैं तो आप इसे बिना किसी कंफ्यूजन के ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।